सिर्फ ज्ञान से ही खुलते हैं सफलता के द्वार, और ज्ञान ही वो क्रांति है जिससे बदलता है संसार। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 30 सितंबर सिलेक्शन क्रांति सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो बदलिए देश का भविष्य। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Yes, guys. So very good afternoon. Greetings to all and welcome to testbook.com. सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन आज के सेशन में। सभी को नमस्कार। सो दोस्तों, कैसे हैं सभी? पहले तो ये बताइए जरा, और कैसी आपकी चल रही है प्रिपरेशन? तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने EEI का भी फॉर्म फिल किया होगा, और जी हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने SSC JEE का भी फॉर्म फिल किया होगा। क्या कोई ऐसा कैंडिडेट भी है जो दोनों एग्जाम देने जा रहा है? इस समय दोनों एग्जाम आपके बैक टू बैक हैं। चाहे हम लोग SSC JEE की बात करने जाएं या फिर हम लोग EEI की बात करने जाएं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। आप सभी के लिए एक बेहतरीन ये सीरीज शुरू की गई है, मॉक टेस्ट की सीरीज, और इसको रेगुलर बेसिस पर अगर आपने अटेंड कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मेरा पूरा प्रयास है कि जो GA का पार्ट है आपका, वो बेहतरीन इसमें कवर करा दिया जाए। बाकी आपका करंट और स्टैटिक का भी पार्ट में इसमें साथ में लेकर के चल रहा हूँ, स्टैटिक प्लस जनरल अवेयरनेस का पार्ट है ना, और साइंस का सेक्शन। साथ ही में दोस्तों, आपका जो करंट अफेयर है उसके लिए सेशन प्लान्ड है, तो हम लोग जल्दी करंट अफेयर को स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है? और आपके साथ सारा शेड्यूल शेयर होगा कि करंट अफेयर को कैसे कवर करना है। बाकी सेशन की जो PDF है वो मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, सो मेक श्योर कि आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? दोस्तों, चल रहा है इस समय सिलेक्शन क्रांति सेल। जो भी कोर्सेस है 90% तक का डिस्काउंट, साथ में आपको 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो आज ही एनरोल करें इन कोर्सेज के लिए। और ये रहा दोस्तों आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। पंचशील सिद्धांत के बारे में तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। देखिए आप किस पे फोकस करना है। क्या पूछा गया था? मैंने जगविंदर देख नहीं पाया, जरा फिर से बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? मैं देख लेता हूं आपके कमेंट को। प्लीज एक बार मुझे फिर से बताइए जरा क्या आप पूछना चाह रहे हैं। मनीष नमस्कार, पहले क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया पंचशील सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे? कोई बात नहीं, डरिए मत। देखो यार, डरने से होगा क्या, है ना? डर के आगे और डर है, डरेंगे तो और अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। जहां पर आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे और बेहतरीन सवाल कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मोरल डाउन मत करिए, है ना? उसमें डरने और मोरल डाउन करने वाला जैसा क्या है? कोई युद्ध लड़ने थोड़ी ना जा रहे, एकदम जिंदगी और मौत का खेल है, एग्जाम है, ठीक है? मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है? पंचशील सिद्धांत बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और पंचशील सिद्धांत आई होप कि आपने पढ़े होंगे, कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान रहा है वो रहा है आपके किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो PT JL नेहरू जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आपने नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में भी सुना होगा, ठीक है? तो इसमें भी नेहरू जी का योगदान रहा है, और साथ में पंचशील सिद्धांतों में भी इनका पूरा का पूरा योगदान रहा हुआ है दोस्तों, ठीक है? तो नॉन शेयरिंग ऑफ नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द ऑप्शन सेकंड, ये इसका सिद्धांत नहीं था। इसके अलावा म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटरी इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, तो सभी लोग एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता और क्षेत्रीयता का पारस्परिक सम्मान करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, कोई एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और लास्ट है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है? चलिए अगले सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये 1954 में क्रिएट किया गया, और कैसे क्रिएट हुआ था? इंडिया एंड चाइना साइन एन एग्रीमेंट, दैट इज नोन एज द पंचशील सिद्धांत, एंड बिकेम द गाइडलाइंस फॉर द NAM। और जिस चाइना ने ये साइन किया था, इसी चाइना ने इस पंचशील सिद्धांत को तोड़ दिया, कब? 1962 में, ठीक है? तो चाइना से तो कभी यकीन ही मत करिए कि कौन से सिद्धांत पर ये बना करके सिग्नेचर कर दे और उसको तोड़ दे। तो इसके जो पांच प्रिंसिपल थे उसमें से ऑलरेडी हमने दो कर लिए हैं, ठीक है? कोई एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे को एग्रेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है? एक दूसरे को बराबर बेनिफिट के लिए अगर हो सकेगा तो सहयोग करेगा,
पीसफुल आपस में एक दूसरे के पास रहेंगे, ठीक है, और एक दूसरे में आपस में संप्रभुता, अखंडता और क्षेत्रीयता का सम्मान करेंगे, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि जो लोकतंत्र होता है उसको तानाशाही से बेहतर माना गया है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है। अभी आपने देखा होगा कि रसिया और जैसे ही नॉर्थ कोरिया का एग्रीमेंट होना शुरू हुआ तो इंडिया ने उसका विरोध दर्ज किया। आपने पढ़ा होगा कि इंडिया अपोज द एग्रीमेंट दैट डन बाय द रसिया एंड बिटवीन नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया आपका एक डिक्टेटर देश है, एक तानाशाही है, और हम लोग फॉलो करते हैं किसको, डेमोक्रेसी को। तो इसका जो सबसे निगेटिव इम्पैक्ट है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज राइट, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल। ठीक है भाई, अंतर क्या है सबसे बड़ा, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो ऐसा तो नहीं है कि मिस्टेक्स के लिए यहां पर गलतियां होंगी, नहीं, आपके डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स के लिए कोई गलतियां नहीं होती हैं, सभी, पूरा देश हमारा संविधान के अनुसार चलता है। रिड्यूस इक्वालिटी ऐसा भी कुछ नहीं है नागरिकों की, हम लोग नागरिकता की जो बराबर थोड़ी ना कम कर देंगे। एनकरेज कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, तो लोगों में आपस में बढ़ावा, हाँ ये कह सकते हो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट्स के लिए आपस में एक दूसरे में किसमें कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले सवाल पर हम लोग चल लेते हैं दोस्तों। हाँ, पूछा गया दोस्तों कि हरिकेन सैली कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग हिट अल्बामा फ्लोरिडा कोस्ट रिसेंटली, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नोन एज द हरिकेन इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड इन द साउथ चाइना सी। तो पूछा गया दोस्तों कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, एक्चुअली में इंडिया में हम लोगों ने, आपने पढ़ा होगा कि हम लोग इनको साइक्लोन से नाम से जानते हैं और हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों साउथ चाइना सी में, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से अगर हम लोग सही आंसर की बात करने जाएं तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा कथन सही है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है दोस्तों कि जो रूसी घटना थी, इसमें आपने पढ़ा होगा कि आज के समय में एक संडे की हम लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये संडे अपने आप में बहुत खास है क्योंकि संडे को रसिया में खून की होली होली गई खेली गई थी और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, 1903, 1904, 1905 या 1906, और इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज द 1905, ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट। तो हमारे देश में उसी समय बंगाल पार्टीशन हुआ था और उसी समय याद रखिएगा रसिया में एक ब्लडी संडे जैसी घटना घटी थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया था, ठीक है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ऑलरेडी यहां पर लिखा है कि मशीन गन फ्रॉन्स ऑन द रशियन मॉब्स, तो पूरे रसिया के भीड़ पर, ठीक है, याद रखिएगा, पूरे रसिया के भीड़ पर मशीन गन से फायरिंग कर दी गई थी और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगले सवाल में चल रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी सेलाइन सॉइल पाई जाती है। सेलाइन सॉइल जरा बताइएगा कि, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल आपने पढ़ी है कि अगर हम लोग सॉइल की बात करने जाए तो सॉइल से दो तीन क्वेश्चन आपको आते हैं, फिक्स रहते हैं, कि सॉइल की स्टडी आपको पूछी जाती है, इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है सॉइल का फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया और इसका अध्ययन, और दूसरा इसके टाइप पूछे जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, टाइप्स अकॉर्डिंग टू पूछे जाते हैं ICAR, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू टोटल कितने याद रखिएगा कैटेगरीज है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, देखिए स्टडी की अगर आप बात करने जाओगे तो इसको बोलते हैं हम लोग पेडोलॉजी, है ना, द स्टडी ऑफ द सॉइल इज नोन एज द पेडोलॉजी, और इसको बोला जाता है पेडोजेनेसिस, ठीक है, इसका नाम क्या है, पेडोजेनेसिस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सॉइल अगर ICAR की पॉइंट ऑफ व्यू बात करने जाओगे तो कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का, ठीक है, देयर आर टोटल 8 काइंड ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू ICAR, बट मेजर आपने पढ़ा है कि भारत में जो मेजर सॉइल पाई जाती है दैट इज एलुवियल, हम लोग जो अधिकता में मिट्टी पढ़ते हैं एलुवियल है, देन रेड एंड येलो, एंड थर्ड वन इज That is a black soil. तो एरिया के बेसिस पर यही ऑर्डर है, सबसे बड़ा भाग जलोढ़ या कछारी मिट्टी कवर करती है, उसके बाद लाल या पीली मिट्टी और लास्ट में आती है आपकी कौन सी, ब्लैक मिट्टी, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, यूपी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, यूपी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए काफी सारे लोग इसमें गलत कर रहे हैं, उत्तराखंड में याद रखिएगा दोस्तों आपकी जो सॉइल पाई जाती है कौन सी है, माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, कौन सी, माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखने जाएंगे तो ये कुछ मृदा का मैंने कुछ वो दिया हुआ है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले सवाल में देख लेते हैं, पूछा जाता है कि मैथिली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। मैथिली आपने पढ़ी होगी, इसी तरीके से एक चित्रकला के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है मधुबनी, ठीक है, इसके तरीके से आपने एक और पढ़ा होगा किसके बारे में, जाट जाटिन,
डांस के बारे में पढ़ा होगा, जाट जाटिन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपने एक यहाँ का फेस्टिवल पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, बिहार है, आसाम है, वेस्ट बंगाल या मेघालय, विच वन इज राइट? आंसर तो क्लियर है, बिहार है। छठ, जी हाँ, छठ की हम लोग बात करें तो छठ फेस्टिवल हो गया, जाट जाटिन नृत्य हो गया दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ के कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आपका फोक डांस है, ठीक है, जाट जाटिन आपका फोक डांस है, और मधुबनी आपने चित्रकला पढ़ी होगी दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंटिंग पॉपुलर दैट इज अ मधुबनी, ठीक है, और इसकी जो भाषा है मुख्य तौर से आपकी कहां पर बोली जाती है, बिहार में दोस्तों, ठीक है, दैट इज ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चल रहे हैं हम लोग, मिस्टर डॉन बोल रहे हैं कि यस प्लीज गाइज हिट द लाइक बटन, तो सभी लोग लाइक बटन को हिट कर दीजिए, जी हाँ, यस सुयस सुयस बिल्कुल, वो एलुवेल का ही पार्ट है, वो आपकी जलोढ़ और कछारी मिट्टी का भी हिस्सा है, ठीक है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, अब ये पूछने वाली बात है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, दांडी मार्च आपने पढ़ा हो, या फिर हम लोग बात करने जाए सॉल्ट सत्याग्रह की, नमक आंदोलन की, या फिर आपसे बात की जाए दोस्तों किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो ये तीनों चीजें एक ही साथ में शुरू हुई। साथ में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री डिमांड भी रखी जाती है लॉर्ड इरविन के सामने, कि भाई साहब इरविन सड्डा के थे रख, मेरी 11 डिमांड तुम्हारे सामने, बट इरविन टालता रहता है गांधी जी को, है ना। तो ये जो दांडी मार्च की शुरुआत होती है ये कब होती है आपकी, 12 मार्च 1930 में। आपको मालूम है कि बापू चलते हैं अपने आश्रम साबरमती से, और साबरमती से बापू कहां पर पहुंच जाते हैं, दांडी नामक स्थान में, और इसमें जो टोटल अगर सहयोगी होते हैं, ये कई बार पूछा गया है कि दोस्तों सहयोगी कितने थे बापू के, ठीक है, तो बापू के जो सहयोगी थे बहुत विश्वास पात्र, एकदम आप कह सकते हैं कि निडर व्यक्ति हुआ करते थे, तो उसमें बापू अपने 78 सहयोगियों के साथ चलते दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सवाल अपने आप में कई बार पूछा जा चुका है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं सेशन में सभी का वेलकम है दोस्तों, ठीक है, सभी का वेलकम है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर रुक करें हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, और ये रहा अगला क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि जो WTO से संबंधित नहीं है, WTO से क्या जुड़ा हुआ नहीं है इसमें, ठीक है, गैट है, गैट्स है, सेवा है, या फिर UNCTAD है, ठीक है, सो विच वन इज राइट, इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों याद रखिएगा, इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है। अब WTO से आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो संस्था थी यही थी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम था गैट, ठीक है, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद ये जो शुरुआत हुई इसकी 1 जनवरी, आपने पढ़ा होगा 1 जनवरी 1995 से इसकी शुरुआत हो जाती है। हेडक्वार्टर आपने पढ़ा होगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा है, और कुछ इसमें मेंबर्स की अगर बात करने जाए दोस्तों तो मेंबर्स की जो संख्या है वो 164 है दोस्तों, ठीक है, तो टोटल कुछ सदस्यों की बात कर ली जाएगी तो कितनी है, 164 है, मुख्यालय जेनेवा में है, रेगुलेटरी बॉडी है जो ट्रेड को रेगुलेट करती है दोस्तों, ठीक है, ट्रेड को रेगुलेट करती है। यहां पर अगर मैं चाहूंगा तो आपसे 2 चीजें पूछ लूंगा कि अगर आप फुल फॉर्म बता सकें दोस्तों तो नीर का बता दीजिएगा और रीर का बता दीजिएगा, ये अब्रीवेशन पूछ सकता है SSC में। और हमारे पास दूसरे एक और है आपके अग्री, एक और ऑर्गेनाइजेशन है फेरा और फेमा, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में याद रखिएगा, दर्जा फेरा और दूसरा है कौन सा है फेमा, और वैसे जब हम लोग इंटरनेशनल पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो नीर और रीर, तो मैं चाहता हूं कि ये जो भी आपके एब्रीवेशन है इनके फुल फॉर्म जो भी कैंडिडेट को समय मिले सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट डेमोक्रेसीज नीड टू इंश्योर, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल ये तो बात सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मेजोरिटी रूल और इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, तो दोस्तों इसमें एक ही आ जाएगा दोस्तों, कौन सा बार हो जाएगा, मेजोरिटी रूल, तो इसका कोई मतलब है नहीं, मेजोरिटी रूल का तो कोई मतलब नहीं है ना दोस्तों, ठीक है, तो सभी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कल चुनाव है तो आज पैसे बांट दिए लोगों में, ठीक है, मदिरा बांट दी, पता चला चिकन मटन बांट दिया और उसके चक्कर में बेचारे जीवन 5 साल के लिए फिर परेशान हो जाता है वोटर, ठीक है, फिर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल होनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कोई पूछा गया है कि सुनामी का क्या कारण हो सकता है, सुनामी, देखिए आज के समय में एनवायरमेंट और डिजास्टर से जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं,
एनवायरमेंट में जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ, हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ओजोन लेयर वगैरह से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एनवायरमेंट का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क का, और कभी कभी डिजास्टर से जुड़ा हुआ भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, या तो करंट में किसी साइक्लोन ने इंडिया को हिट किया हुआ है, या पर्टिकुलर किसी कंट्री को फ्लड ने या फिर अर्थक्वेक ने हिट किया है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी थियोरिटिकल पार्ट, ठीक है। तो इसमें से हम लोग जो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग स्पीड में आज आंसर कर रहे हैं, चलो संख्या काफी अच्छी है, 120 के आसपास है। तो दोस्तों सबसे प्रमुख कारण क्या है, दैट इज अ ऑप्शन हमारा कौन सा, दैट इज अ वन इज द राइट आंसर, अर्थक्वेक जनरेटेड है ना सबडक्शन जोन, ठीक है। सो दैट इज अ ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, आपने पढ़ा होगा कि ये जो शब्द है ना स्वराज, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है, जो स्वराज शब्द है आपने पढ़ा होगा कि स्वराज शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल है दोस्तों किसने किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने बोला था स्वराज, है ना, एक स्वराज स्थापित करने की बात की थी, अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित करने की बात की थी, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य में स्वराज के बारे में हमको प्रॉपर जानकारी मिलती है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यही स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी शब्द इस्तेमाल किया, फिर 1906 में INC की कॉन्फ्रेंस में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, फिर बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला स्वराज माई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। फिर आपके बापू आ जाते हैं, है ना, ये भी अपने संबोधनों में स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन में INC के, पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो प्रोसेस है याद होगा। स्वराज का मतलब क्या होता था दोस्तों, तो इसमें से जितने भी कथन दिए गए हैं सभी के सभी सही हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला है इनर लिबरेशन फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ ग्रीड एंड पावर विच मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफर, ठीक है। सेकेंड है आपका फ्रीडम फ्रॉम हैट्रेड टूवर्ड्स द नेशनल एनिमी द ब्रिटिश, ठीक है, और ऑफ लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू टास्क ऑफ इंप्रूविंग द मटेरियल कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट ऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का सोख बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा तो सुकून मिलेगा, ठीक है। तो जरा बताइएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन में किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, विच वन इज द राइट आंसर। मैं चाहता हूं दोस्तों कि सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, सो एवरीवन गाइस, ठीक है, ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आप लोग किस ऑप्शन को जाएंगे, और देखो दो ही शोक पूछे जाते हैं, एक बंगाल का पूछा जाता है आपको और एक पूछा जाता है दोस्तों बिहार का, ठीक है। तो बंगाल और बिहार दोनों के ही शोक पढ़ लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो जरा बताइएगा कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहां पर हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, दामोदर नदी। तो दामोदर आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि ये बंगाल का सौरो कहलाती है, ठीक है, ये बंगाल का सौरो कहलाती है। और जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कोसी के बारे में दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा कि जो कोसी है ये आपका बिहार का सौरो कहलाती है, ठीक है। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक कोसी और एक दामोदर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पूछा गया है कि एनुअल जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये कौन पब्लिश करता है, विच वन इज राइट। इसमें से आप लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, हाँ, बीजी तिलक ने स्वराज वाला स्लोगन दिया था, ईयर मुझे याद नहीं है सुयश, ठीक है, ईयर याद नहीं है कि कब दिया था, अगर आपको याद है तो प्लीज आप बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, दैट इज अ ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, इज अ सर्वे कंडक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक होता है, एक सर्वेक्षण है, किस संगठन द्वारा आयोजित और प्रकाशित किया जाता है, IMF होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, या फिर UNDP। तो इसमें से हम लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, विच वन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश किया जाता है, याद रखिएगा, IMF के द्वारा। IMF के बारे में दोस्तों सभी जानते होंगे कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका आप हेडक्वार्टर सभी जानते हैं कि दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज लोकेटेड है ना Washington DC USA, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है Washington DC USA में लोकेटेड है। इसमें आपने टोटल मेंबर्स की संख्या पढ़ी होगी दोस्तों कि इसके टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है आपकी, 190 है दोस्तों, ठीक है। और ये एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज अ SDR, SDR के बारे में आई होप कि आपने पढ़ा होगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिसमें आपकी 6 इंटरनेशनल करेंसीज हैं दोस्तों, ठीक है, 6 अंतर्राष्ट्रीय आपकी मुद्राएं इसमें
होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिर से वही इंपॉर्टेंट अपडेट कि बिल्कुल दोस्तों आप अपने एग्जाम के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमारे जितने भी कोर्सेस हैं इस समय लाइव है, तो आप SSC JEE के कोर्सेस और साथ में EEE के कोर्सेस के लिए जुड़ सकते हैं। आपके सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेस पूरी तरीके से कवर हो रहे हैं, और इस समय चल रहा है आपका सिलेक्शन क्रांति सेल, तो आपका 90% तक का डिस्काउंट और साथ में 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि सभी कोर्सेस कम प्राइसेस पर अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन में कोर्स की इन्फॉर्मेशन है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सिंधु जल संधि के अनुसार कौन सी नदी द्वारा शासित नहीं होगी? अच्छा, अब देखो ये मुद्दा फिर से अभी हाल ही में आया है, क्योंकि अभी इसकी रिसेंट मीटिंग हुई है। मुझे मीटिंग लोकेशन पता नहीं है, इस समय याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है, कि इनकी लोकेशन अभी रिसेंट में कहां पर हुई है। लेकिन आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु जल समझौता ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। इस ट्रीटी को लेकर के अभी हाल ही में रिसेंट में मीटिंग हुई है, जो किसी दूसरे देश में कंडक्ट हुई है मीटिंग, ठीक है, दोनों में आपस में बातचीत हुई है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये वीना में हुई है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हुई है, बट इसकी मीटिंग का लोकेशन याद नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो ये पूछा गया दोस्तों कि कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शोषित नहीं होगी, तो इसमें एक नदी है दोस्तों, जो ऑब्वियस ही बात इसमें आप आंसर टिक कर पाएंगे कि देखो सिंधु नदी और चेनाब और झेलम, इन तीनों को देखें तो किसको दी गई थी? पाकिस्तान को। तो ये तीनों नदियां गई थी दोस्तों किसके? पाकिस्तान को। लेकिन ब्यास नदी तो आप पढ़ते हैं दोस्तों कि इसका ओरिजिन भी पूरी तरीके से इंडिया में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश इंडिया में, और अगर आप देखेंगे ना तो इसका जो एंटायर फ्लो है, फ्लो होकर के ये जो एंड हो जाती है वो भी आपके विद इन इंडिया ही एंड हो जाती है। तो इसको तो पाकिस्तान को देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सवाल भी नहीं उठता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज अ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज अ ब्यास रिवर। तो ब्यास हो गया दोस्तों। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करने जाए तो आपकी कौन सी नदी है? दैट इज अ सतलज, ठीक है, और एक है आपकी रावी। तो ये जो तीन नदियां हैं, ये तीन नदियां गई हैं भारत के हिस्से में, और बाकी के जो ऊपर की तीन नदियां हैं ये गई हैं पाकिस्तान के हिस्से में, ठीक है। सऊदी अरेबिया में बैठक हुई थी यार, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी यूनेस्को के वर्ल्ड कमेटी की रियाद में, जहां पर अलग अलग बहुत सारी साइट्स को अभी हाल ही में यूनेस्को हेरिटेज में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये रिवर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाएगा, दैट इज अ ब्यास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा गया है, द मोटो टू बिलीव टू ऑबे टू फाइट इज रिलेटेड टू, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कथन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो विच वन इज द राइट आंसर? SSC JEE में कम से कम आप GS में कम से कम एटलीस्ट 35 और 38 का टारगेट लेकर के चलिए, जो मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप 50 में 50 कर सकते हो, 50 में 45 कर सकते हो, बट एज अ इंजीनियर, है ना, एज अ डिप्लोमा होल्डर, आपको मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, ठीक है, कि भाई हम लोगों ने तो चलो इतने समय से पढ़ाया है तो हमारी कमांड है, बट आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, और ऊपर से GS में मन नहीं लगता इंजीनियर का, तो अगर आप 35-38 कर पा रहे हो एक्यूरेसी के साथ, दैट इज वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो इतना एक टारगेट लेकर के जाना है कि कम से कम 40 तक खींचना है आपने अपने इस स्कोर को, और आपने इतना तक खींच लिया ना तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आदर्श वाक्य याद रखिएगा, ये किसका है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ यस फासिज्म, और फासिज्म से जुड़ा हुआ आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? मुसोलिनी, मुसोलिनी आपने पढ़ा होगा ना दोस्तों, फासिज्म से ही जुड़ा हुआ था, इटली का बंदा, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया पूंजीवाद के तहत विकास की प्रक्रिया को किसने एक्टिव डिस्ट्रक्शन के रूप में वर्णित किया, यानी कि बोला गया है कि दोस्तों जो कैपिटलिज्म है डिस्क्राइब किया गया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब कैपिटलिज्म को फॉलो कौन करता है? अगर आप देखें तो कैपिटलिज्म थ्योरी के जो मेन फाउंडर थे वो एडम स्मिथ थे, जिन्होंने एक्चुअली में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बोला है, और आप इनको क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमी, कि भाई ये जो है अर्थव्यवस्था के फादर है। लेकिन इसका जो विरोध किया वो किसने किया? USSR ने। अगर आप देखें तो इसका जो विरोध किया USSR, और USSR सबसे पहले किस इकोनॉमी को फॉलो करना शुरू कर दिया? सोशलिज्म इकोनॉमी को, ठीक है। तो इसमें से हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे, दैट इज द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे? विच वन इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 नंबर तो बहुत इजीली आ जाएंगे रोशन, 20 नंबर की कैसे बात करो यार, आप इतने समय से हमारे साथ जुड़े रहे हो, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं लगातार, आपको लगता है क्या कि हम लोग किसी भी तरीके से कम मेहनत कर रहे हैं?
पीपीटी में कोई किसी भी प्रकार का कंटेंट आपको कम लगता है, कोई क्वेश्चन लपूसा लगता होगा आप तो बताइए। रेगुलर मैं खुद इतनी मेहनत करता हूं इसमें अपनी, ठीक है, हर एक बेहतर से बेहतर सवाल लेने का प्रयास करता हूं कि कोई पीवाई क्यों ना छूटने पाए, उस पीवाई को पर बेस्ड कोई दूसरा सवाल ना छूटने पाए, तो हर एक नए तरह के पैटर्न के क्वेश्चन डालता हूं। तो 20 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी मत लेकर के चलिए, इससे बहुत अच्छा आप आसानी से कर पाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, देखो ईएमआई, अब भाई ये तो बैंकिंग से, आप लोन भरो लोगे तो ईएमआई भरोगे, और लोन बिल्कुल बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हार्ड टू मैच्योरिटी, तो भाई अगर आपने कोई यहां पर क्या किया होगा, डिपॉजिट लिया होगा या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो डेफिनेटली आपका वो मैच्योरिटी पर एक दिन जरूर पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। और क्रेडिट रैप और स्वैप भी आपका बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है, तो जो डिफ्यूजन है इसका आपके बैंकिंग से कोई भी दूर 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 तक लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, फ्रांस में जो रिपब्लिकनिज्म थे, ये पूछा गया था कि कौन सा एक वर्ग था। अब देखो आपने फ्रांस में खासतौर से दो ग्रुप पढ़े होंगे, एक जैकोबिन्स के बारे में पढ़ा होगा जो नेपोलियन बोनापार्टा था एसी से बिलोंग करता था, और अगर आपने पढ़ा हो टीपू सुल्तान के बारे में तो वो भी जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो जरा बताइएगा किसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, ठीक है, विच वन इज द राइट आंसर। और हाँ, करंट अफेयर की क्लासेस आपके ऑलरेडी प्लान्ड हो रहे हैं, सो डोंट वरी, करंट अफेयर की क्लासेस 100% आपके प्लान्ड होंगे। तो आपने जो नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में पढ़ा, याद रखिएगा वो जैकोबिन क्लब से ही बिलोंग करता था, और बाद में हमारे भारत में भी आपने पढ़ा होगा टीपू सुल्तान, वो भी जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करता है दोस्तों, ठीक है। तो इनकी जो विचारधारा थी वो कौन सी थी दोस्तों, रिपब्लिकनिज्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, पूछा गया चुनाव के दौरान मतदान के अधिकार का उपयोग किस प्रकार के मूल्य से संबंधित है। फंडामेंटल राइट है, ऑटोक्रेटिक वैल्यू है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है, या फिर अथॉरिटेटिव वैल्यू है। अरे हिंदा एग्जाम आपके दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, आप चाहे जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके बोर्ड दीजिए, मतलब अपना पेपर दे दीजिएगा, सभी में आने वाला है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू, इट इज अ डेमोक्रेटिक वैल्यू, आपको मालूम है कि हमारा ये जो है ये किस तरह का लीगल राइट है ना, आपका वो जो राइट टू वोट है आज के समय में, राइट टू वोट की बात कर रहा है दोस्तों, तो जो राइट टू वोट है कैसा है, लीगल राइट है ये, ठीक है। अगले सवाल में चल रहे हैं, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा की जिसके कारण जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ था, विच वन इज राइट। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि एक नियम ऐसा आ गया जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी आपने देखा होगा दोस्तों क्या किया जा सकता था, ठीक है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी, ठीक है, हाँ, यस, तो इसका जरा सही आंसर बताएगा, बहुत सारे लोगों ने आंसर टिक करना शुरू किया है, तो डेफिनेटली सभी को मालूम है कि एक ही है, दैट इज अ रॉलेट एक्ट, सभी को मालूम है, और इसी की वजह से ये जो घटना घटी जलियांवाला बाग, ये कब घटती है आपकी, 13 अप्रैल, आप सभी जानते हैं 1919, है ना, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अरेस्ट किया गया, उनको छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मास मीटिंग बुलाया गया, और उस मीटिंग में आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, उस मीटिंग में आप सभी को मालूम होगा कि क्या किया गया, गोलियां चला दी गई फ्रांसिस ओ डायर, हैरी ओ डायर के द्वारा, तो ये रॉलेट एक्ट ही थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था 1919 में, जिसमें आप संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए अधिकतम पूछताछ के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पूछा गया जो काकोरी ट्रेन रॉबरी थी इसमें से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा था, तो काकोरी ट्रेन रॉबरी दैट वॉज वेरी पॉपुलर 1925 में हुई है, और इसमें जुड़े हुए जो लीडर थे वो कौन से, सब एचआरए पार्टी के लोग थे, ठीक है, एचआरए पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना अगर आपने पढ़ी हो दोस्तों तो ये कानपुर में हुई थी, ठीक है, कानपुर में, और यही जो एचआरए पार्टी होती है इसी के लीडर मिलकर के बाद में किस घटना को अंजाम देते हैं, तो यही लीडर मिलकर के आपके काकोरी घटना को अंजाम देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे, शौकत उस्मानी है, रामप्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद है, रामप्रसाद ये अशफाक उल्ला खां है, राजेंद्र लहरी, तो ये जितने भी आप पढ़ते हैं ना, राजेंद्र लहरी हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए,
चंद्रशेखर आजाद हो गए दोस्तों, ठीक है, ये सभी आपके इससे जुड़े हुए थे, बस शौकत उस्मानी का इसमें कोई संबंध नहीं था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे जरा, तो ये काकोरी की घटना आपको याद होगी दोस्तों, 9 अगस्त को हुई थी ये काकोरी की घटना, और ये लखनऊ के पास होती है, जिसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो रामप्रसाद बिस्मिल ये तो लीडर थे इसके, ठीक है। बाद में इनको धोखा मिलता है, इनके एक दोस्त के द्वारा पकड़ा दिया जाता है, अशफाक उल्ला खान जी थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र नाथ लहरी, ठीक है। तो इन सभी को इसमें फांसी की सजा दी जाती है, और काला पानी की जो सजा मिलती है वो किसको मिलती है, सचिंद्र, आपने पढ़ा होगा इनका नाम, सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र बख्शी, ठीक है। तो जो दो नाम है ये, सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र बख्शी, इनको याद रखिएगा दोस्तों, काला पानी की सजा मिलती है। और बाकी के जो क्रांतिकारी बचे होते हैं उनको 4 से लेकर के 14 साल तक की क्या होती है, कैद हो जाती है, ठीक है। कितने रुपए लूटे गए थे, 4,600 रुपए, और 4,600 रुपए की वैल्यू अगर आप 1925 में देखने जाएं तो अपने आप में डेफिनेटली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता होगा। और जब ये घटना घटी थी तो पूरा का पूरा जो अंग्रेजी प्रशासन है वो हिल गया था, और उन्होंने इसके बाद बहुत सारे कैंपेनिंग चलाए, जिनके बाद इन सभी लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है। अगले सवाल में हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी की जगह काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। हाँ नहीं, आजाद इसमें शामिल थे लेकिन आजाद पकड़े नहीं गए थे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद वॉज द पार्ट ऑफ प्लानिंग इन द एचआरए एंड ऑल्सो द प्लानिंग इन काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, बट वो उसमें पकड़ नहीं पाए, ठीक है। भारत में कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक इकाई का पहला संयंत्र कहां पर है, कलचर है, सिंदरी है, बेलागाला है या फिर बल्लारपुर, इसमें से हम लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, जी हाँ, दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, दैट इज अ कलचर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट। अगला सवाल है, आर्थिक महामंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, इसका जरा करेक्ट आंसर बताइएगा कि विच वन इज राइट। देखिए, आर्थिक महामंदी हम लोगों को 3 बार देखने को मिलती है, खासतौर से एक बड़ी जो हमको मंदी देखने को मिलती है 1929 के दशक में, फिर आप देखेंगे दोस्तों कि 1900 ये जो 91 और 92 वाला दौर था ये बहुत बुरा था, और इसी प्रकार से कुछ आपको 2008 के समय में देखा होगा जब बहुत सारी कंपनियां डूब गई थी, सत्यम जैसी कंपनियां डूब गई थी। और ये जो आर्थिक महामंदी है, जब से सबसे पहले हिट किया यूएसए में और उस यूएसए का प्रभाव पूरे वर्ल्ड में आया, इसमें से जो हम लोग करेक्ट आंसर की बात करने जाएं दोस्तों, ठीक है, यस यस, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज अ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 1929, वेरी गुड गाइस, ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पूछा गया दोस्तों कि इन विच ईयर आंध्र प्रदेश केम इन टू एग्जिस्टेंस, आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ। तो यार ये सवाल मुझे लगता है ना बहुत सिंपल है, और इसका आंसर तो सभी को आना ही चाहिए, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने पढ़ी होगी एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, ठीक है। तो जब आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की बात करते हो दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर आपने एक कमेटी पढ़ी होगी जिसका नाम था फजल अली, याद है आपको किसी को, इसमें दो अदर मेंबर भी थे, ठीक है, उनके नाम थे के एम पानिकर और हृदयनाथ कुंजरू। आपको मालूम होगा कि इसको जो फॉर्म किया गया, इसका गठन किया गया 1953 में, और साथ में इसने रिपोर्ट अपनी जो सबमिट की वो की 1956 में। तो जब 1956 में इसकी रिपोर्ट आई तो आपके 14 राज्य बने, देर वर टोटल 16 स्टेट फॉर्म्ड ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस, और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, तो 14 स्टेट और 6 आपकी क्या बनाई गई थी, यूटीज। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा यस, राइट आंसर दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट। ये 1953 में फॉर्म्ड हुआ था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक, लेकिन एक्चुअली में इसका जो प्रॉपर एग्जिस्टेंस हुआ वो किसके बाद, तो वो फजल अली कमेटी के बाद, ठीक है, फजल अली कमेटी के बाद, यस। सो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है, कुचिपुड़ी फोक डांस है, वाईएस जगमोहन रेड्डी सीएम है, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू हेड, 1914 में रूस का प्रमुख धर्म क्या था, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, थे इसमें बढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जरा बताइएगा, जो पलक्कड़ गैप है ये आपका कहां पर पाया जाता, पलक्कड़ का दाता, विच वन इज करेक्ट। कुछ सवाल कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि सिंपली आप देखें और आंसरों को टिक कर जाएं, सो दैट इज नॉट, ठीक है।
मच सिंपल, ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा सवालों को देखने के लिए क्योंकि बहुत सारे सवाल इसमें पूरा नए पैटर्न पर हैं, और इससे याद रखिएगा आपके मल्टी मतलब टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी एक टॉपिक को ही पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक भी कवर हो रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ साथ में कवर होता चल रहा है। तो पलक्कड़ का जो दर्रा है ये आपका पड़ता है दोस्तों किसके बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में, ये सब आपने पढ़ा होगा, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये जितने भी हैं सब आपके किस में पड़ेंगे, पेनिनसुलर एरिया में और खासतौर से वेस्टर्न घाट में। तो ये दो को कनेक्ट करते हैं आपके केरल को और किसको, तमिलनाडु को कवर कनेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, तो ये देख पा रहे होंगे साथ यहां पर, ये पलक्कड़ गैप सबको दिखाई दे रहा है ना मन की आंखों से, हाँ, दैट इज द ऑप्शन कहां पर हो जाएगा, यस ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, विच वन इज राइट, सो इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन, यूज ऑफ मनी पावर इन इलेक्शन, कंडक्टिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये तो दोस्तों ये भी रहोगे, ये भी रहोगे, ये भी रहोगे, इनइक्वालिटीज हम महिलाओं के साथ क्यों करेंगे, धन का इस्तेमाल क्यों करेंगे, और पूछा गया इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर किया जाएगा बट एक लिमिट में किया जाएगा। तो जो सही है वो सिर्फ कौन सा है, ऑप्शन थ्री ही सही है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज राइट। और अब तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने ऑलरेडी 128th अमेंडमेंट भी पास कर दिया है जिसके तहत 33% महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नॉट पूछा है तो बेटा नॉट ही तो हमने सही किया है ना, अरे नॉट क्या, तो ये गलत लिख दोगे क्या, हमारे इलेक्शन का ये महत्व कॉन्सेप्ट नहीं होता, चुनाव आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये भाई चुनौती है हमारे लिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारे लिए कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, ये चुनौती ही तो है, क्या कर रहे हो आप, ये चुनौती ही तो है हमारे लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि धन का उपयोग ना हो, तो ये भी तो चुनौती ही तो है कि हम उन नेताओं को पकड़ सके जो लोकल लेवल पर वो पैसे ना बांट दे, ठीक है। और फिर कौन सा चुनौती है हमारे लिए कि इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो स्थानीय सरकारें हैं आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है उनको भी बराबर शक्तियां मिलनी चाहिए, चुनौती क्या नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये कंडक्टिंग फ्री ऑफ फ्री इलेक्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो ये तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसने 1698 में, इसका कोई मतलब नहीं बनता, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, विच वन इज द राइट आंसर। मन की आंखें बंद हुई पड़ी हैं बच्चों की, और सवाल की लैंग्वेज जब मैं देता हूं तो इतनी आसान नहीं देता हूं, है ना, हर तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेलना होता है टीचर को, और यही गलती आप एग्जाम में भी कर देते हो कभी कभी, जल्दबाजी में नॉट का तो ऑप्शन देख ही नहीं पाते और मिस्टेक हो जाती है। तो गाइज इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है आपने, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सभी ने पढ़ा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, दैट इज 1789। अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आपने पढ़ा था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1776। और इसके बाद आपने रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ा है कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917, ठीक है। तो इनकी डेट्स एक बार दिमाग में जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा पूछा गया, जो इटली में फासीवाद था, ठीक है, इसके उदय करने वाले व्यक्ति के रूप में किसको माना जाता है, यानी कि इसको शुरुआत किसने किया था, फासिज्म तो आपने पढ़ा ना, फासिज्म, अयुब की ऑलरेडी हम लोग फासिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, फासिज्म के बारे में पढ़ा है आपने, कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा है, सोशियलिज्म के बारे में पढ़ा है, नाजीवादी के बारे में पढ़ा हो दोस्तों, ठीक है। तो जो फासीवाद था, नाजीवाद था, साम्यवाद था, कैपिटलिज्म था, कम्युनिस्ट कम्युनिज्म था, ठीक है। तो इसमें जो आपने पढ़े हैं ये कौन थे, मुसोलिनी, दैट इज द ऑप्शन, सेकंड इज राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया, जो दोस्तों झारखंड होता है ना, आपके किस जोन में डिवाइडेड है, ठीक है, ये जोन जो दिए गए हैं किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब अर्थक्वेक का बात आई है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा होगा
कभी भारत में एक अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया, अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, बाय गूगल, कि जब भी अर्थक्वेक आने की संभावना होगी तो आपके मोबाइल में एक अलर्ट आ जाएगा। समझ में आ गया ना, एक अलर्ट, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अलर्ट आते रहते हैं आपके मोबाइल में, उसी तरीके से अर्थक्वेक जब आने वाला होगा तो अलर्ट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपनी को सावधान अवस्था में कर लेना है, किसी दीवार के किसी सोफा या बेड के नीचे अपने आप को छुपा लेना है, सर को प्रॉपर तरीके से ढक लेना है, किसी चीज को मजबूती से जोर से पकड़ लेना है, ठीक है। तो इसमें से जो सही आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे, याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आपके कैटेगरीज में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, विच वन इज राइट। आप लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, और इसका जो सही आंसर है आपको मालूम है, ये ब्रिटेन में शुरुआत हुई थी ना, ग्रेट ब्रिटेन, बिल्कुल। तो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आधारित था, ब्रिटेन में जो औद्योगिकीकरण हुआ उसी तरीके से हमारे देश में औद्योगिकीकरण का फॉल हो गया, जिस तरीके से ब्रिटेन में अर्बनाइजेशन हुआ हमारे देश में डी अर्बनाइजेशन हुआ, ब्रिटेन अमीर होता चला गया भारत गरीब होता चला गया, जो ब्रिटेन में चमक धमक थी वो सब भारत के लूटे गए पैसे पर ही निर्भर थे, ठीक है। सो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपक्रमों में से किसे महारत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। सो अमंग द फॉलोइंग दोज कंपनीज विच आर गिविंग इन द ऑप्शंस विच इज द महारत्ना कंपनी, ONGC, MTNL है, BSNL है, भेल है या फिर गेल है, विच वन इज राइट। देखो कोहिनूर तो तभी आएगा जब अक्षय कुमार कोई मूवी लेकर के आएंगे उस पर, वही एक हीरो है भारत का जो कोहिनूर ला सकता है, कोई बड़ी मूवी लेकर के आएगा अक्षय कुमार तब आ जाएगा भारत में। सो दैट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, दैट इज अ भेल एंड गेल, तो इनको महारत्ना का स्टेटस मिल चुका है, ठीक है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जरा बताइएगा कि विच वन इज राइट। अमरकंटक जो आपका मध्य प्रदेश का भाग पड़ता है, यहां से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है उनके बारे में आपको बताना है। एक नदी निकलती है दोस्तों जिस पर धुआंधार वाटरफॉल है या भेड़ाघाट वाटरफॉल है, जबलपुर उसके किनारे पड़ता है, बरगी परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, जवाहर सागर सॉरी सरदार सरोवर परियोजना इसी पर ही है, और ये सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर है। दूसरी नदी यहां से निकलती है जो कि गंगा की सहायक नदी हो जाती है, तो यहां से गंगा आ रही होती है और ये गंगा के साथ मिल जाती है। तो एक है सोन नदी, याद रखिएगा एक है आपकी सोन नदी और दूसरी कौन सी है, दैट इज अ नर्मदा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, पूछा गया है कि द ब्लास्ट फर्नेस 1709 विच हैड बॉट अ रेवोल्यूशन इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री वॉज इन्वेंटेड बाई, तो ब्लास्ट फर्नेस का जो आविष्कार है 1709 में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था जिसने आज के समय में मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। अब्राहम डर्बी है, राइट ब्रदर्स हैं, जेम्स हेयरग्रेव्स हैं या फिर थॉमस न्यूकमैन, और इसमें से जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज द ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, अब्राहम डर्बी, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी, तो ईस्टर्न स्टेट पूछा गया है, ईस्टर्न स्टेट, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और यहां पे है अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा, एक ही है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, और आपने पढ़ा होगा जो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है वो इसी पर लोकेटेड है जिसका नाम है किप्थू। इंडिया के आपने पॉइंट तो पढ़े होंगे ना, ये लंबाई और सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, गौरमोटा, किप्थू, कन्याकुमारी, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर थे, दैट इज ऑप्शन वन इज राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों कौन सा, दैट इज अ
ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इसमें सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो विच वन इज द राइट आंसर, इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने चाहेंगे, ठीक है। चलिए गाइस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन कौन सा है, वन इज द राइट आंसर 1948, ठीक है। तो हैदराबाद को 1948 में आपको याद होगा सेना का इस्तेमाल करते हुए मिलाया गया, जो जूनागढ़ था, याद रखेगा ये तीन रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर तो जनमत संग्रह हुआ था, जनता की वोटिंग कराई गई थी, और यहां पर राजा ने खुद लीगली पेपर पर साइन करके, याद रखिएगा लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके भारत के साथ शामिल हो गए, ठीक है। और यहां पर सेना का इस्तेमाल किया गया। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी कहां पर मैदानी इलाके के ऊपर से बहने लगती है, ठीक है। तो द रिवर गंगा स्टार्टेड फ्लोइंग ओवर द प्लेन फ्रॉम विच लोकेशन। तो पहले तो गंगा का निर्माण कहां पर होगा ये देखना पड़ेगा, क्या फरक्का बांध के बाद, बंगाल के बाद, इसका मतलब है सीधे ये बंगाल में ही, मतलब ये मैदानी भागों में बहने लगती है, तो उससे पहले क्या आपके पर्वतीय मैदान होते हैं यूपी में, बिहार में? तो आंसर है नहीं। तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी गंगा का निर्माण कहां पे करती है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो हरिद्वार है, ठीक है, देवप्रयाग, ये सब आप पढ़ते हो, तो जैसे ही आपका अलकनंदा आपने पढ़ा है और भागीरथी, ये दोनों मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं, तो वहां से ही दोस्तों ये हरिद्वार से ही आपके मैदान में बहना शुरू कर देती है। और हरिद्वार में आपको, हरिद्वार में मालूम है कि आपका महाकुंभ भी इसलिए ही लगता है, ठीक है। तो यह राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज राइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, ठीक है, अगले सवाल में चल लेंगे हम लोग। पूछा गया है स्वतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई, अगर कभी पूछा गया दोस्तों कि मैक्सिमम टाइम किसने रिप्रेजेंट किया, है ना, और फर्स्ट डिजिटल भी पूछ लिया जाता है, तो आपको आर्टिकल तो मालूम है कि आर्टिकल कौन सा है, 112 तो अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। और सबसे पहले जो रिप्रेजेंट किया गया था वो किसने किया था दोस्तों, दैट इज आर सन्मुख चेट्टी, ठीक है, इन्होंने देश की स्वतंत्रता होने के बाद किया था। मैक्सिमम टाइम जो रिप्रेजेंट किया है वो कौन से है, आपके मुरारजी देसाई। और पहला जो डिजिटल बजट है आपको मालूम है कि ये 21 और 22 का है आपका, ठीक है, जो निर्मला सीतारमण ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। सो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे एक नाम दिया गया है, कौन सा आपका ये नाम दिया गया ना, सी डी देशमुख, तो याद रखेगा ये फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर थे, इंडियन आरबीआई गवर्नर। पूछा जाता है ना कि आरबीआई के पहले गवर्नर, तो आपने पढ़ा होगा ओसबोर्न स्मिथ, और सबसे पहले इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख, ठीक है। 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथ और नरमपंथी एक दूसरे में विभाजन हो गया, तो ये 1907 में हुआ था, और यहां पे जो हेड थे वो थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, यस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एवरीवन बताइएगा जरा करेक्ट आंसर क्या हो, टिक करने जाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज अ सूरत इज द राइट आंसर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो सूरत में ही हुआ था ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शांति भूमि और रोटी ये जो नारा है ये किसने दिया था, लेनिन ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। तो द स्लोगन पीस लैंड एंड ब्रेड वॉज गिवन बाई विच कैंडिडेट, और ये किस महान विचारक का आपको बताना है कि ये स्लोगन था, ठीक है। विच वन इज राइट, इसमें से आप लोग किसमें टिक करने जाएंगे, ठीक है, विच वन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच वन इज राइट, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज अ ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, दैट इज अ लेनिन, ठीक है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज अ लेनिन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेकर के चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व वाले फासीवाद की विशेषता नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। Who defined democracy as a form of government of the people, for the people and by the people? तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये कथन किसका था और ये कथन किसने दिया था,
देर इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय द अब्राहम लिंकन, एवरीवन नो अबाउट इट, दैट इज अ ऑप्शन, सेकंड इज द राइट आंसर. ठीक है चलिए अगला सवाल है. पूछा गया कि व्हेन अ सिचुएशन कंसीडर्ड एज अ हजार्ड, यानी कि कौन सी परिस्थिति को आप एक खतरे की परिस्थिति के तौर पर देखते हैं. द इमेंस थ्रेट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू क्लाइमेटीज, नो थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ, व्हेन इट हैज एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन ओनली, एंड व्हेन द फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. तो दोस्तों एक सबसे बड़ा खतरा क्या है जो पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा. ठीक है, द इमेंस थ्रेट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमिटीज, उसमें आपका अर्थक्वेक भी शामिल है, उसमें आपका फ्लड भी शामिल है, उसमें आपके साइक्लोन्स भी शामिल है, और उसमें आपके वोल्केनिक इरप्शन भी शामिल है दोस्तों. ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चले. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के औद्योगिक विकास की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, रेलवे के द्वारा, टेक्सटाइल मिल के द्वारा, माइनिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, या फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ के द्वारा. इसमें से जो सही आंसर हम लोग करने जाएंगे, याद रखिएगा, दैट इज अ ऑप्शन सेकंड इज राइट, दैट इज अ टेक्सटाइल मिल्स के द्वारा दोस्तों. ठीक है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. ठीक है चलिए अगला सवाल है. पूछा गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द थर्ड कैटेगरी ऑफ फ्रेंच सोसाइटी आइडेंटिटी आइडेंटिफाइड, तो निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है, इसकी पहचान कीजिए. इसका कोई मतलब नहीं बनता है सवाल का भी. ठीक है आगे देख लेते हैं हम लोग. पूछा गया स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, विच वन इज करेक्ट. हाँ अब आप कोई नेचुरल डिसीज भी डाल सकते हैं बिल्कुल, जैसे कोरोना, तो यह भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है. अभी हाल ही में चल रहा है निपा वायरस, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है. तो आप अब इसमें डिसीज भी डाल सकते हैं. ठीक है कोई भी डिसीज भी अब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, डिसीज भी इंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. तो आपने पढ़ा है कि दैट इज अ सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, और वो भी कब, 1934. ठीक है तो ये जो टाइम पीरियड है वो कौन सा था, 1934 का. ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है. पूछा जा रहा है कि द मैनिफेस्टो ऑफ द इटालियन फेसेस, कोई मतलब नहीं है इसको हटा दो, ये इतना डिटेल में नहीं आएगा आपको. अगला सवाल है कि बंगाल के किस प्रसिद्ध लेखक ने राष्ट्रवाद के हिस्से के रूप में लोक कथाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर, नटेशा शास्त्री है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद चटर्जी है. इन्होंने तो भाई साहब आपका लिखा था जनगण मन, जो नेशनल एंथम है, और इन्होंने किताब लिखी थी आनंद मठ, और इसी से लिया गया था वंदे मातरम. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, 3 इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर. ठीक है पूछा गया है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन ड्यू टू द अर्थक्वेक. That is a seismograph. तो बैरोमीटर एयर प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए, यह रेनफॉल के लिए. चलिए ये हो गया ना. हाँ ये एक इकोनॉमी का क्वेश्चन बताएगा जरा, इकोनॉमी भी आता है एसएससी जेई में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स अ फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द प्राइस. परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है, जहां पर प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर बार्गेनिंग होती है. जैसे एग्रीकल्चर मार्केट, आप जाते हैं ना सब्जी बाजार में, तो आपके पास 10 ठेले लगे हुए हैं सब्जी के, आपके पास ऑप्शन है कि आप जाइए किसी से भी खरीद कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, सामने वाले को बोल भी सकते हैं कि नहीं भाई इतने रुपए किलो नहीं है, इतने रुपए किलो लगाना होगा. मोनोपोली कैसी होती है कि अब एक ही सब्जी बेचने वाला आया है, बाकी पूरे शहर के लोगों को एक ही बेचेगा. तो आपने देखा होगा कभी, कई कई बार, कि मान लीजिए कोई फ्लड आ गया या कोई बहुत बुरी स्थिति हो गई, कोई ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई, तो कभी कभी वेजिटेबल्स
जो सप्लाई है वो इम्पैक्टेड होती है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। तो छोटी, अगर आपको थोड़ी सी भी धनिया लेनी है ना, तो वो आपको 20 रुपए 25 रुपए की मिलेगी, गड्डी तो आपको मिलेगी जाकर के 100-150 रुपए की। तो वो मोनोपोली एकाधिकार है ना। तो ये जो स्थिति होती है दोस्तों, ये दैट इज अ ऑप्शन, सेकेंड इज द राइट आंसर। यहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर बार्गेन होगा, ठीक है, और नो बैरियर, किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई बैरियर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना माल ला करके बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति आकर के खरीद सकता है। इसको परफेक्ट क्या बोलते हैं हम लोग, कंपटीशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऋग्वेद की पौराणिक नदी सरस्वती के अवशेष के रूप में जानी जाती है? तो आपने पढ़ी होगी सरस्वती को हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, बोला जाता है हम लोगों ने नदी रत्ना बोला है ना, नदी रत्ना। और आपने पढ़ा होगा इसको मातेत्मा, आपने इसका नाम पढ़ा होगा देवेत्मा, मातेत्मा भी है देवेत्मा भी है, और ये सबसे मोस्ट पायस नदी मानी गई है, ठीक है। सबसे ज्यादा पवित्र नदी जो है वो कौन सी है, दैट इज अ सरस्वती। तो इसमें से जो सही आंसर होगा घग्गर। तो आपको मालूम होगा कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है अभी वर्तमान में, जो आपकी हरियाणा सरकार है, ये इसको दोबारा से क्या करने का प्रयास कर रही है, रिजुवेनेट, ठीक है। तो रिजुवेनेट करने का प्रयास कर रही है इसको दोबारा से, आपने पढ़ा होगा सरकार इसमें पैसा काफी लगा रही है कि इसके जो भी फ्लड कोर्स चैनल है उन सभी को दोबारा से कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर कर पाए दोस्तों, ठीक है, दोबारा से बेहतर कर पाए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद जरूर आया होगा। लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा बिल्कुल, जो अभी नए नए लोग आए हुए हैं जिन्होंने कर रखा है बिल्कुल, उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो ये सेशन आपके डेली होते हैं, आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, और जो डेली लेक्चर्स के टाइमिंग रहते हैं वो आपके ही कुछ सामने है कि डेली आपका एक 8 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है, 8 बजे करंट अफेयर के सेशन के बाद फिर आपका 10 बजे डबल एआई का सेशन है, और डबल एआई के सेशन के बाद दोस्तों आपका फिर दूसरा ये जो एसएससी जेई का हमारा सेशन है ये गोइंग ऑन है, ठीक है। तो ये सब हमारे सेशन की टाइमिंग है, तो आप बिल्कुल इनके साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी इस समय सारे जो पेड कोर्सेस हैं, सुपर कोचिंग कोर्सेस हैं, वो लाइव है, चाहे आपका एसएससी जेई की बात करने जाए या फिर हम लोग डबल एआई की बात करने जाए, तो बिल्कुल आप इन कोर्सेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से जुड़ करके अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। इनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये सेशन गोइंग ऑन है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हिट द लाइक बटन, जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ये संख्या 100+ तो हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको जितने भी हमारे कोर्सेस हैं सारे के सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे कोर्सेस हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों, तो ये बिल्कुल ये सारे आप जाइए, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। बहुत सारे लोगों को प्लेलिस्ट पता नहीं है तो मैं दिखा देता हूं दोस्त, ये देखिएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जितने भी इसमें वीडियोज हैं सबके सब अपडेटेड हो चुके हैं हमारे, है ना। बहुत सारे लोग परेशान थे कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है, प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों ये सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। ज्योग्राफी का आपको एक पूरा सेशन मिल जाएगा, हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने सेशन कवर किया हुआ है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है, आप जाकर के देखिए। जितने भी वीकेंड के 2-2 घंटे के मैराथन सेशन है बहुत बेहतरीन। एक स्टैटिक का पार्ट ऑलरेडी मैंने कवर किया है पूरा, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। तो ये सारे वीडियोज है, टाइम टाइम जितना मिलता है देखिए, नहीं तो पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक है नीचे से 3rd नंबर पर, इससे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये है आपके सारे कोर्सेज जिनके लिए आप इजिली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सिंपली आपने कोर्स की लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट एक वेबसाइट पर चले जाएंगे टेक्स्टबुक की, जहां पर आपको ये कोर्स रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज देखो हमारे इस समय अवेलेबल हैं। एसएससी जेई की बात करने जाएंगे, एसएससी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करने जाएंगे, सारे कोर्सेज लाइव हैं, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत सारे मॉक टेस्ट एवरीथिंग अवेलेबल। तो ये आपके अलग अलग प्लान है, 2 साल का 1 साल का 6 महीने का 3 महीने का, तो आप इनमें से किसी भी प्लान को सिलेक्ट करें और जब भी पेमेंट करने जाएं, सो यू कैन यूज द कूपन कोड, कूपन कोड लगा सकते हैं, कूपन कोड है SHIVKT, ठीक है। और जैसे ही से अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग 3 बजे मास्टर क्लास में, 3 बजे आपकी मास्टर क्लास है, तब तक दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।